हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूंगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। दोस्तों, जब आप किसी से प्यार करते हो और वही इंसान आपको ये कहता है या ये कहती है कि मुझे अब तुमसे कोई फीलिंग नहीं है, तो उस समय हम सबको ही बहुत हर्ट होता है और होना भी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन अगर आपके साथ भी है तो ऐसे में आप कैसे रिएक्शन दोगे, कैसे आप इस सिचुएशन को हैंडल करोगे, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो पार्टनर जब भी आपको ये कहने लगे कि मुझे अब तुमसे कोई फीलिंग नहीं है, मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका जो सिंपल सा मीनिंग है वो ये है कि वो जो इंसान है, जो पार्टनर है आपका, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुका है या इरिटेट हो चुकी है। और इसका रीज़न कहीं ना कहीं आप खुद हो, क्योंकि आप उसको इतना ज़्यादा कॉल करते हो, मैसेजेस करते हो। और कभी कभी इंसान का नेचर भी होता है कि वो ना बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग टाइप के होते हैं। मतलब आप चाहे आपके पार्टनर के लिए कुछ भी कर दो, उसका जो एक कंप्लेनिंग नेचर होता है ना, ये बहुत हार्मफुल होता है कोई भी रिलेशनशिप में। ठीक है, तो इससे भी रिलेशनशिप में बहुत ऊब आ जाती है, क्योंकि आपके पार्टनर को हमेशा आपसे यही शिकायत रहती है कि तुम मुझे नहीं समझते हो, तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मुझे कॉल नहीं करते हो, मैसेजेस नहीं करते हो। तो ये जो आप इतना कंप्लेन करते हो ना, ये जो आप इतना शिकायतें करते हो ना, इसको कम कर दो, उसको थोड़ा टाइम दो। स्पेस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप लोग क्या करते हो ना, झगड़ने लगते हो, रोने लगते हो, ज़बरदस्ती पीछे पड़ने लगते हो पार्टनर को, और ज़्यादा ऐसे करके इरिटेट कर देते हो। तो ऐसे इरिटेट अगर आप करोगे, अगर आप किसी के पीछे ज़बरदस्ती पड़ोगे, तो वो सच में आपसे बहुत ही इरिटेट होगा या होगी, और फिर वो आपको परमानेंटली अपने लाइफ से निकाल देगा या निकाल देगी। और ऐसा ही होता है। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि पार्टनर को आपसे ऊब आ रही है या फिर वो आपसे इरिटेट फील कर रहा है, तो उस टाइम को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी को बांध के रख तो नहीं सकते, उल्टा होता है क्या, उस इंसान को ही आप खो देते हो। तो इसीलिए ऐसा अगर सिचुएशन है ना, इसलिए आपको थोड़ा संयम से काम लेना है। ज़्यादा आपको प्यार भी नहीं दिखाना है, ज़्यादा आपको फीलिंग्स को शो नहीं करनी है, थोड़ा डिस्टेंस रखो, थोड़ा सा स्पेस दो। ठीक है, अब स्पेस देना और डिस्टेंस रखना, इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टनर को इग्नोर कर दो। इग्नोर करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको गैप देना है, ताकि उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा जब कोई रिएक्शन देता है कि मुझे अब तुमसे कोई फीलिंग्स नहीं है, तो इसका यही मतलब होता है कि वो जो इंसान है ना, जो पार्टनर है आपका, वो आपसे सच में बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुका है या फिर इरिटेट हो चुकी है। तो टाइम दोगे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करोगे ना, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, ये जो इरिटेशन जो अभी है आप दोनों में, वो धीरे धीरे सुधरने लगेगा टाइम के साथ, वक्त के साथ। आप लोगों के अंदर जो भी ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।